बहुत दिनों से मछली नहीं पकड़ी है। कांटे ने तो रोना धोना शुरू कर दिया है गुरु। ठीक है पहले इस बाटलू को संभाल लेता हूँ, नहीं तो मछली पकड़ना बंद करवा देगा। जा दो टप का जुगाड़ कर ले। सामान जोर से पटकना उस टीम के डिब्बे के ऊपर, उसके बाद देखना बाटलू का मजा। एक दो तीन, ये क्या हुआ? ये कैसी अद्भुत आवाज है? कौन है रे? देखो तो, पानी का टब यहां किसने रखा? जरूर दोनों बिच्छू का काम है। रुक, मजा चखाता हूं। अब जाकर हम कामयाब हुए। कितने टाइम बाद बदला ले पाए हैं हम। पहले इसने हमको पानी में डुबोया था और आज हमने। अब चलो भागे। कांटा ले लो दोनों। लेकिन गुरु, बैटल तो हम दोनों को ढूंढने तालाब के किनारे आएगा, तब फिर? हाँ, तब क्या करेंगे बता तू। हाँ, ठीक कहा, कुछ और तो सोचना ही पड़ेगा। आइडिया, बैटल भैया के यहाँ से आज चिकन की खुशबू आ रही थी। ओह, फिर तो मजा आ जाएगा गुरु। चलो चलो चलो, दूसरे रास्ते से जाते हैं। चलो चलो, बाटुल भैया के घर में इस रस्सी के सहारे खिड़की से घुस जाते हैं। चल चल चल। बेटा गाने में मशगूल है। देखिए कांटा फेंक कर कैसे चिकन रोस्ट खींचता। सॉलिड खाना है क्या रे? बड़े मजे मजे से खा रहा है। चक्रवर्ती जी, आपने किसी लौंडे को इधर उधर से जाते देखा है? कैसे नहीं पहचान पाऊंगा, आप है हमारे मोहल्ले के गर्व। बाटुल भैया कैसे हैं आप? चले, इस बहरे से बात करते हुए लौंडों को ढूंढने में मुझे देरी हो जाएगी। ठीक हो, भागता हूँ। भाई, बच्चू बिच्छू को आप लोगों ने देखा है? हाँ, देखा था। तालाब के किनारे उन दोनों को जाते देखा था मैंने। रुक जाओ, एक दिन तुम्हारा तो एक दिन मेरा। लौंडों को तालाब के किनारे नहीं देखा तो ये लोग गए कहाँ? घर जाके देखता हूँ। क्या जी बाटुल भैया, इतनी धूप में कहाँ चल दिए? और कहा, सुबह सुबह इन दोनों लड़कों ने मुझे खूब परेशान किया है, उनको जरा सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए उनको ही ढूंढ रहा हूँ। अरे बा, आप उनको ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके घर में बैठे हैं। हैं?
साफ साफ सुन पा रहा हूँ, वो तो खुश होकर मीट दबा कर खा रहे हैं। मीट है? मेरी हड्डी पसली चबा के खा गए? खाना बनाने वाले ठाकुर को उल्लू बनाकर मेरी ही लाई हुई मीट खा रहे? जाता हूँ। एकदम ठीक, नाला एक काटा फेंक करके चिकन उठा रहे, सबक सिखाता हूँ। अरे खाओ ना, बाटलू का खाना है, लजीज। भाग्यवश लंब करना उसके साथ नहीं है, वरना तो वो तो बता ही देता कि हम दोनों कहाँ है। उसके हाथी जैसे कान यहाँ और किसी के भी नहीं है, लेकिन वहाँ तो बोलना पड़ेगा, क्या कहते हो? मैं भी मछली पकड़ूंगा, पर कांटे से नहीं बल्कि पकड़ से, ताकि एक साथ दो सर मिले। आओ बेटा, तुम्हें पानी में डुबाया था, इस बार अलग तरह से डुबाऊंगा, और उससे भी सीख नहीं मिली तो अभी नहीं बताऊंगा। प्राचीन समय की बात है, शंकर शर्मा नामक एक भद्र पुरुष गांव में रहते थे। कुछ दिन पहले ही वे शांति निकेतन में एक घर खरीदे थे। घर खरीदने के कुछ दिन ही बाद एक विचित्र प्रकार की घटना घटी। 2100 किसी सदवी में भूत, ये तो चंबू की बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो रात के समय जंगला पर पत्थर कौन मारता? बरामदे में हड्डी और खोपड़ी पड़ी रहती है। डर के मारे पत्नी और बच्चे उस घर में नहीं जाना चाहते, इसलिए सोचता हूँ उस घर को मैं बेच दूँ। अगर आप आज्ञा दे तो। बोलो। बहुत दिनों से इच्छा था कि मैं अपने आँखों से भूत देखूँ, अगर मैं आपके उस घर में एक दो रात रह जाऊँ तो। ठीक है, कब जाना चाहते हो बताओ? अगला शनिवार को, इसके साथ कल ही अमावस्या है, चलिए आप और हम दोनों चलते हैं। ठीक है तो कल ही चलो। दूसरे ही दिन शंकर शर्मा उस आदमी को लेकर अपने उस नए घर पहुंचे। वाह, आपका घर जितना बढ़िया है उसका चारों ओर का परिवेश और सुंदर है। अरे नमस्कार शर्मा जी, आइए आइए आइए। कब आए? यही तो आज दोपहर में। साथ में वह कौन है? अरे मैं इनका दूर का संपर्क का भतीजा हूँ, शांति निकेतन देखने आया हूँ। वाह बहुत अच्छा, रहोगे ना दो चार दिन? जी हाँ, दो चार दिन रहूँगा। तो ठीक है, मैं भी एक दिन आकर यहाँ पर अड्डा जमाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। वो आदमी कौन था? वही उस 3 तल्ला घर का मालिक है, कम से कम 300-400 एकड़ जमीन का मालिक है वह। घर बेचने वाले थे, क्या कोई खरीदने वाला मिला है? भूतहा घर बोलकर चारों ओर बात फैल गई है, फिर इसे कौन खरीदेगा बताओ? वैसे दुबे जी ने तो खरीदने की बात कही थी हमसे, लेकिन इस घर को बेचने की इच्छा मेरी अभी नहीं है। घटना उस समय के लिए तो टल गई, लेकिन उसी दिन रात में अरे बाप रे बाप, आपके घर खरीदने के कुछ पहले ही सांप डसने के कारण
रतन नाम के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। वास्तव में वह एक पागल था। उसका श्राद्ध अच्छी तरह उसके घर वाले नहीं किए। लगता है मर कर के भी वह पगलामी करता है। जो भी हो, थोड़ी सावधानी से रहिएगा, मैं चलता हूँ। अंत में यहाँ पागल भूत। भूत पागल हो चाहे जैसे भी हो, किसी के घर में तो जूता चप्पल पहनते हुए घूमते हुए तो नहीं देखा है हमने। अने? ये देखिए, आज सुबह ही मैं आपके घर के पीछे ये पाया हूँ। सुनिए, आज रात में ही हम ही लोगों को पहरा देना होगा। वह देखिए, वो कौन आ रहा है। सही बात है, तो इस बार मजा देखिए। क्या हो रहा है? कौन कौन हो तुम? मैं जग्गू पगला हूँ। तो बेटा राखाल, तुम शर्मा जी का घर दखल करने के लिए मेरा नाम भूत रखकर प्रचार कर रहे हो, तो मैं आगे ही तुम्हारा गर्दन मोड़ूंगा। तो ठीक है भाई, आज तुम्हारे ही कारण इस घर का भूतहाना मिट गया। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या बात? राखाल भट्टाचार्य के पास तो बहुत पैसे हैं। अगर वे चाहते तो अपने जमीन पर ही खूब बढ़िया घर बनवा लेते, तो हमारे इस सामान्य घर को वे दखल करना क्यों चाहते थे? कारण भूत का डर नहीं दिखाने से अपना घर तो नहीं बेचते। आप शांति निकेतन में आकर बात को नहीं समझ पाए। इस संसार में जो भी आता है, जिसके पास जितना रहता है वो और चाहता है। राजा भी गरीब जनता का पैसा चुरा कर बहुत महान बनता है। बता, मैं कौन हूँ? तू क्या समझ रहा है? मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा। छोड़ मुझे हंदा छोड़। देख लिया, मैं तुझे पहचान लिया है ना? मुझे पता था कि तू है। तू अपने आप को पहचान पाएगा कि नहीं देख। मतलब आईने में तू अपना शक्ल देखेगा तो पता चलेगा तुझे। मैं जा रहा हूँ बूंदा, मुझे बहुत काम है। अंदर चला गया। समझ में नहीं आया। जाऊं आईना में जाकर मुंह देखता हूँ। ये क्या, अंदर मेरा मुंह काला कर दिया है। ओए फंदा, मुंह पे रंग क्यों लगाया है तू? नहीं फूफा जी, मैं नहीं। वो क्या कर रहा है तू? मैं अभी मुंह साफ कर लेता हूँ फूफा जी। जल्दी करो, मुंह साफ करके घर पे आओ, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह से धोऊंगा। नहीं, उस हंदा को मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। बहुत शैतान है वो, मुझे बिना मतलब के फूफा जी से मार खिला रहा है। इसका बदला मुझे लेना ही पड़ेगा। बुंदा, अब मैं तुझे और मार खिलाऊंगा। देखना, फूफा जी तुझे और अच्छी तरह से तुझे धोएंगे। बुंदा, मजा आएगा। उसी का इंतजाम मैं कर रहा हूँ। फूफा जी का ये कुर्ता कितना सफेद है, लग रहा है आज ही धोए हैं। अब मैं इस सफेद सफेद कुर्ते को अपने काले काले हाथों से इसे अच्छी तरह मैं पॉलिश कर देता हूँ। ये कुर्ता तो काला हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है।
सफेद सफेद कुर्ते पे काला काला धब्बा, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। थोड़े देर में फूफा जी आएंगे कुर्ता लेने। ये क्या, ये क्या, मेरे कुर्ते में ये काला काला धब्बा किसने लगाया? हाँ जरूर जरूर, इसका धुंधला का ही होगा, उसके मुंह में ये रंग लगा था। वो शैतान मेरे कुर्ते में रंग लगाया। वो कहा है, वो कहा है, अगर वो मुझे मिल गया। मेरा प्लान सही काम कर रहा है। तू दूसरी बार मार खाने के लिए तैयार हो जा। शैतान लड़के मेरा कुर्ता खराब कर दिया। नहीं फूफा, मैं नहीं। तो क्या मैं? बोल 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 बोल, दोबारा कभी ऐसा करेगा तू? दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। याद रखना तू। फंदा, इस बार तू तैयार रहे ना, मैं जितना मार खाया हूँ इससे डबल तुझे खाना होगा, वरना मेरा भी नाम फंदा नहीं, बोल दिया मैं तुझे। बो रहा फूफा जी का दस्ताना, वही तो मुझे चाहिए, यही है मेरा हथियार। इस डंडे से निकलता हूँ। अजा अजा, अब शुरू होगा मेरा असली खेल। सफेद दस्ताना काला हो गया, काला कौवा जैसा काला हो गया। अब मैं इस दस्ताने को जहाँ था वहीं पे ले जाकर रख देता हूँ। कहा है वो हुंदा, उसे मैं आज घर से निकाल दूंगा। मेरा दस्ताना खराब कर दियो। ये क्या, मैं कुछ नहीं किया हूँ, वो हुंदा किया है। नहीं फूफा जी नहीं, वो हुंदा झूठ बोल रहा है। आपका दस्ताना पहनकर ये देखिए, मेरा हाथ काला है और उसका हाथ साफ है। नहीं फूफा जी, मेरा दस्ताना पहनकर खेल रहा था तू? अपना हाथ साफ रखने के लिए फूफा जी आपका दस्ताना पहन लिया था। वो हाथ साफ रखने के लिए मेरा दस्ताना पहनकर खेल रहा था तू? मार मार कर तुझे। नहीं नहीं फूफा जी, भागो भागो। भाग रहा है, भाग कर कहा जाएगा तू? जब तक मैं तुझे मारूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। बेचारा। ये शाम बड़ा सुहाना है, साइकिल चलाने में बड़ा मजा आ रहा है। देखो ना खुशी, वहाँ पे एक आदमी माइक लेके कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है, चलो जाके देखते हैं क्या बोल रहा है। भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो, हमारे क्लब में मछली पकड़ने का प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, जिसे इसमें भाग लेना है वो अपना नाम लिखा दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो लूसी और टॉम को पता चलने से पहले हम लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं। क्या बात है दोस्तों, मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में नाम लिखवा के आ रहे हो क्या? हाँ, तुमसे मतलब? नहीं नहीं, मुझे क्या लेना देना है, मैं उस प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ।
तुम लोग लोगे तो हार ही जाओगे, जीतोगे नहीं। बेकार में क्यों हारने आ रहे हो मुझसे? वो तो कल ही पता चलेगा कौन हारता है। देख लिए पुशी, हम लोगों से पहले ही वो नाम अपना लिखवा दिया है प्रतियोगिता में। कुछ भी हो, जीतेंगे तो हम लोग। जो मैं बोला हूँ तुझे याद है ना टॉम? तुम चिंता मत करो आंटी जो, कल बाजार से मछली खरीद कर लाई थी बड़ा वाला। तुम जब मछली पकड़ोगे प्रतियोगिता में, तब मैं पानी के नीचे आके मछली तुम्हारे छीप में अटका दूंगा और तुम जीत जाओगे। और मैं प्रतियोगिता में फर्स्ट आ जाऊंगा। बी, उसका चमचा डोम कहाँ गया है बता सकते हो? छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। लूसी, ये देखो मेरे छीप में एक मछली फंसा है। अभी तक तो तुम्हारे छीप में एक भी नहीं फंसा। फंसेगा, इतना बड़ा मछली फंसेगा कि तुम लोग देख के बेहोशी हो जाओगे। हाँ, देख लेना। देख लिए पुशी, मछली पकड़ना किसे कहते हैं? तुम लोग जैसा छोटी छोटी नहीं, इसी को कहते हैं स्मार्ट बॉय। ये मछली जाना पहचाना लग रहा है। आंटी तो कल बाजार से इसे खरीद के लाई थी। ओ, प्रतियोगिता जीतने के लिए ये ऐसा किया है। आंटी घर पे नहीं है इसीलिए, रुको कल मैं इसे बताऊंगा। आज के प्रतियोगिता में जीते हैं मिस्टर लूसी। लूसी और टॉम हम दोनों को बेवकूफ बना के प्रतियोगिता में जीत गए। रुक, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कल सुबह आंटी वापिस आ रही है, तभी बताऊंगा। क्या बात है पुशी, आज अकेले क्यों आए हो? कल हारने के बाद शर्म के मारे तुम्हारा साथी भाग गया क्या? नहीं नहीं लूसी, वो भागा नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ा सा पुरस्कार लेने गया है। वाह, ये तो अच्छी बात है, कम से कम अब तो तुम लोग सुधर गए। सुने ना आंटी, यही सच बात है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? रुको, मैं आज उसको सबक सिखा के रहूंगी। मर गया आंटी, यहाँ कहाँ से चली आई आंटी? अरे लड़ाई पुसी का ही काम है, यहाँ से फटाफट भागना पड़ेगा, भागो। ए ए लूसी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी मछली से मेरे ही मुंह पे मारता है। रुक रुक, अभी तेरे को मजा चखाती हूँ। रुक रुक, भाग कहाँ रहा है? रुक। अरे बाप रे बाप। पुशी, देख, देखने में बड़ा मजा आ रहा है ना, आज आंटी इसको मछली की तरह कढ़ाई में तल देंगी।